क्या होता है जब आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दे दिया, जैसे कि ये कर रहा था, अगर हम आपको इसका पावर एक्स दे और आपको बोले इसका डेरिवेटिव, तो शुरुआत में क्या लेंगे आप, लेट वाई इक्वल टू, और अगर आप यहाँ पे कर देंगे और फिर से इसको
सॉल्व कर लेंगे। कर ही नहीं सकते डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। आपने किया ना डायरेक्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट लिखा, डेरिवेटिव का साइन लगाया, आपने सोचा कौन सा लगता है, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी एक भी नहीं, फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि नीचे भी फंक्शन है ऊपर भी फंक्शन है और दोनों जगह फंक्शन रहे तो फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर फंक्शन टू द पावर फंक्शन, फॉर्मूला है ना इसके लिए, नीचे कॉन्स्टेंट ऊपर फंक्शन या नीचे फंक्शन ऊपर कॉन्स्टेंट, उसके लिए फॉर्मूला, यानी फंक्शन और कॉन्स्टेंट की जोड़ी चाहिए, बेस और पावर। तो वैसा यहाँ पे नहीं है ना, नीचे भी फंक्शन ऊपर भी फंक्शन, फॉर्मूला एक भी नहीं लगता ग्रुप ए बी सी का, हम कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, मेथड चेंज करनी पड़ेगी, कैंसर, फिर से लिखो लिखा, आप क्या कर सकते, अब बिना लॉग के होता है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ, अब ये आपके लिए लॉग यहाँ पे कम कर सकते, चलो लेते हैं लॉग, बोलो क्या होगा, लेफ्ट में भी लॉग राइट में भी लॉग, जब भी लेते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, लॉग के सामने क्या है, मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है की पावर, तो पावर का आ जाए वहां से रख के पीछे, अब लॉग की कोई प्रॉपर्टी लगती नहीं, अब जब प्रॉपर्टी नहीं लगती तो स्टॉप करो, क्या करो अभी, अरे लॉग के सामने क्या है, अभी लॉग के सामने मल्टीप्लाई डिवाइड पावर नहीं है, प्रॉपर्टी बंद तो, अरे जो प्रॉपर्टी बंद होती तो क्या करते हैं, क्या करे सर कुछ नहीं, घर जाए, घर जाए, अरे प्रॉपर्टी नहीं लगती अब क्या करे, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे ना, अपने डेरिवेटिव करो, तो डीडीएक्स का साइन लेफ्ट में भी और डीडीएक्स का साइन हाँ राइट, अब इसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करें सर, अब लगा ना डीडीएक्स का साइन आ गया यानी ग्रुप ए बी सी शुरू, जब भी डीडीएक्स रहता है ग्रुप ए बी सी, बोलो लॉग एक्स का वन बाय डीडीएक्स का बेस लॉग के सामने कौन सा लगता है, ग्रुप ए का एक सेपरेट क्वेश्चन मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन को बात करो, कौन सा क्वेश्चन एक्स लॉग एक्स क्वेश्चन है, कैसे फॉर्मूला लगता है कि नहीं, फिर हाँ स्क्वायर रूट पावर डिवाइडर वन ग्रुप ए नहीं ग्रुप बी ज्यादा डबल है, कौन सा लगता है ग्रुप बी का मल्टीप्लिकेशन का हमने क्या फर्स्ट टर्म डीडीएक्स ऑफ सेकंड टर्म सेकंड टर्म, बोलो बुलडोजर के पीछे का, बोलो लॉग एक्स का डीडीएक्स ऑफ एक्स फॉर्मूला के वन बाय सी कैसे क्या पूरा फॉर्मूला कौन होता है इसके लिखते हैं प्लस बताओ के पीछे वाला जरूरत नहीं, बोलो एक्स ये हो गया एक्स एक्स बच्चा है क्या बच्चा और ये कौन है ये हो गया, लेकिन क्या करना पड़ता है जब भी हम टेकिंग लॉग लेते हैं, अब टेकिंग लॉग लेने से क्या होता है, जो पहले वाई था टेकिंग लॉग लेने से लॉग वाई बन जाता है, और लॉग वाई बनने के बाद जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो लॉग एक्स का वन बाय एक्स लॉग एक्स लॉग के साथ जो वन बाय वाई रहता है, इसमें लास्ट स्टेप में जब डेरिवेटिव पूरा हो जाता है इस वाई को इधर लेके जाते हैं और उधर वाला पूरा आंसर ब्रैकेट में कल भी पढ़े थे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं इस वाई की क्या है वाई की वैल्यू एक्स पावर एक्स ये है डी वाई बाय लाते हैं सर। अब एक बात बताइए, अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम हो कि भाई फाइव का पावर एक्स बताओ क्या ये प्रॉब्लम हम टेकिंग लॉग से करते हैं, टेकिंग लॉग हम बोथ साइड से करते, यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा साइन
अब बताओ यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है कि नहीं लगता? लगता है क्या? कौन सा बोलो जल्दी। ए पावर एक्स, नीचे कॉन्स्टेंट है ऊपर एक्स। अब ग्रुप ए नहीं, ग्रुप बी नहीं, लेकिन ग्रुप सी। ए पावर एक्स का क्या होता है? ए पावर एक्स लॉग ए, इसका पावर बताओ। बुलडोजर के पीछे वाले साइन इसका डेरिवेटिव ये हो गया डी वाई बाय, मिल गया कि नहीं? मिल गया ना? तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हो रहे हैं। लेकिन अगर आप में से किसी ने बोला नहीं सर मुझे लॉगर्स लेना है तो उसकी इच्छा नहीं, क्योंकि लॉग तीन केस में ले सकते हैं। कौन से? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। वैसे भी ये पावर फॉर्म तो आप अपने मन से लॉग ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। और अगर वैसा लिया तो क्या होगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा लॉग वाई और ये होगा लॉग फाइव का पावर साइन एक्स। लॉग लगता है तो प्रॉपर्टी आ गई, लॉग के सामने बेस और पावर, तो पावर कहाँ आ गया? इधर पीछे आ गया, तो बचा कौन? लॉग फाइव। और अब प्रॉपर्टी लगती नहीं। अब करेंगे हम डेरिवेटिव। बोलो डीडीएक्स का साइन लेफ्ट में भी और डीडीएक्स का साइन राइट में। साइन एक्स लॉग फाइव मतलब लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाय एक्स डीडीएक्स ऑफ एक्स। बोलो कौन सा रूल लगेगा, साइन एक्स का लॉग फाइव है? कौन सा? एक्स टेबल लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। प्रोडक्ट रूल सर मल्टीप्लीकेशन लगा, प्रोडक्ट रूल लगाया तो गलत आएगा, ऐसा नहीं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा है ना। लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाते क्यों? कांस्टेंट है, लॉग फाइव क्या है? अब तुम्हें लगेगा प्रोडक्ट पे इधर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अरे प्रोडक्ट रूल किसके लिए? दोनों फंक्शन है तो यहाँ पे एक फंक्शन दूसरा कांस्टेंट है, तो क्या को प्रोडक्ट रूल लगा रहे? पहला रूल लगाओ ना, कौन सा? एक सेपरेट कांस्टेंट, मतलब लॉग फाइव बाहर बाहर। तो डीडीएक्स का साइन किसको लगे? हाँ इधर लिखता हूँ, लॉग फाइव बाहर डीडीएक्स का साइन डिवीजन में क्या आएगा और ये वाला आंसर कैसे लिखना ब्रैकेट में। लेकिन एक बात बताए, यहाँ पे वैसे आपको ब्रैकेट करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं, मल्टीप्लाई में ना सबका ब्रैकेट की जरूरत। मतलब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, वाई की क्या है? वाई की वाई की वैल्यू क्या है? वाई का पावर और ये कौन है? लॉग फाइव। इसके बाद कौन है बताओ? आंसर सेम आया क्या? पहले कौन सा आंसर? फाइव का पावर लॉग फाइव, बताओ आंसर वही आया कि नहीं? बताओ आंसर तो वही आया, मेथड कौन सी सही है? ये है डायरेक्ट डेरिवेटिव और ये है टेकिंग लॉग, तो कौन सा अच्छा है? डायरेक्ट डेरिवेटिव, यानी टेकिंग लॉग की आपके पास फैसिलिटी है, लेकिन फैसिलिटी है तो उसका यूज हर जगह किया जाता है। ये चीज अपनी जिंदगी में लागू होती है, फैसिलिटी है इसका मतलब हर जगह। आपके घर में एक्टिवा है, लेकिन बाजू की किराना दुकान में जाने के लिए घर से एक्टिवा नहीं करोगे? हाँ चलो सब्जी लाने निकालो रे एक्टिवा, चलो कार निकालो, बीच बोलेगा चलो कार निकालो, चलो कार जाना है सब्जेक्ट ट्यूशन में, कैसे लोग से याद कार मस्त पार्क कर देगा मस्त आगे सर। अरे फैसिलिटी इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इस तरह से यूज करो, है ना, अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो बात वही है कि आपके पास लॉक की फैसिलिटी है, लेकिन लॉक की फैसिलिटी तभी यूज करना जब कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन हो। डिवीजन कैसा हो? कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लीकेशन, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लीकेशन। और पावर फॉर्म भी कौन सा हो बताए क्या? अगर ये जनरल पावर फॉर्म ना, कौन सा पावर फॉर्म? बेस ऊपर कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है ना, नीचे एक्स ऊपर कांस्टेंट, ये फॉर्मूला। तो इस केस में लॉग लेने की जरूरत नहीं है। तो लॉग कब लेना? लॉग का फैसिलिटी तब यूज करना जब फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन पावर फंक्शन इज गिवन देन टेकिंग लॉग इज
कंपलसरी। वो छोटा प्रॉब्लम क्यों ना रहे, देखा जाए बताइए क्या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है क्या इसका पावर छोटा सा प्रॉब्लम है कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लेकिन लॉ कंपलसरी क्यों क्योंकि वो फंक्शन का पावर फंक्शन और फंक्शन का पावर फंक्शन है। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स पावर एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन के पावर फंक्शन के लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम छोटा रहे कि बड़ा रहे लॉग लेना ही पड़ेगा इसलिए इस प्रॉब्लम में लॉग लेना कंपलसरी है और इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है ए पावर एक्स का तो लगाओ ना ए पावर एक्स लॉग इन डिग्री ऑफ एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स तुम फालतू में लॉग ले रहे हो हेलो तुम्हारी इच्छा आंसर तो आगे टाइम ज्यादा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इधर भी लॉग इधर भी लॉग लॉग के सामने बेस ऑफ पावर है साइन एक्स इधर लॉग फाइव अब कोई प्रॉपर्टी लगती नहीं करो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स का वन बाय डिग्री ऑफ एक्स इधर कौन सा लगेगा कोई प्रॉडक्ट रूल मत लगाना एक फंक्शन है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आएगा बाहर डेरिवेटिव का साइन साइन का डेरिवेटिव पास एक्स हो गया। लेकिन जब आप टेकिंग लॉग लेते हो तो टेकिंग लॉग लेने के कारण वाई का क्या हो जाता है वाई क्या बनता है लॉग वाई क्या बनता है और लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय वाई तो वाई ज्यादा का गया नहीं तो इसलिए टेकिंग लॉग में ये वाई लास्ट में लेके जाना पड़ता है और फिर वाई की और इधर वाला पूरा आंसर ब्रैकेट में लिखते हैं अभी वैसे लिखने की जरूरत नहीं सब मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं वाई के वैल्यू को आया टाइम लगा ये शॉर्टकट कंपलसरी कब है लॉग लेना जब फंक्शन का पावर फंक्शन क्योंकि अगर तुम इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करने लगे सर जम गया ना इधर डायरेक्ट डेरिवेटिव किया ना इधर भी करा कर क्या हो बता क्या डायरेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है एक्स का पावर एक्स को फॉर्मूले नहीं इसलिए आपको लॉग के देना ऑप्शन नहीं क्या करें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग इधर भी लॉग उधर भी लॉग की प्रॉपर्टी बेस और पावर पावर का आ गया पीछे आ गया अब बताओ लॉग के सामने का लॉग के सामने देखते जा मल्टीप्लीकेशन डिविजन या पावर कुछ भी नहीं प्रॉपर्टी वन प्रॉपर्टी वन तो डेरिवेटिव स्टार्ट इधर भी उधर भी लॉग इन्स का वही वन बाय जब जब टेकिंग लॉग लोगे तब तब ये हमेशा ही आएगा हमेशा और इधर इधर करो डेरिवेटिव ग्रुप बी यहाँ पे प्रोडक्ट क्योंकि दोनों फंक्शन है ये भी फंक्शन फर्स्ट टर्म डिग्री ऑफ सेकंड सेकंड डिग्री ऑफ लॉग एक्स का वन बाय एक्स का वन एक्स एक्स कट गया वन ये आंसर पूरे आंसर को ब्रैकेट में लिखना है वाई अंदर के लिए और लास्ट में वाई की वैल्यू पुट करना कंपलसरी रहता है क्या है वाई की वैल्यू ये है आंसर तो यहाँ पे तो लॉग कंपलसरी है ठीक है हमें कहते हैं जैसा ही प्रॉब्लम दे दिया क्या होता है बहुत दिनों के बाद जब डेरिवेटिव की प्रॉब्लम करते उतना ध्यान में रहता नहीं हम अपना रूटीन कार्यक्रम शुरू कर देते ये अपना रूटीन कार्यक्रम कौन सा डेरिवेटिव डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट लिखते थे डेरिवेटिव का सिंबल लगा देते और बाद में बहुत सोचते रहते वो क्यों नहीं था क्योंकि कॉन्स्टेंट नहीं स्क्वायर रूट नहीं पावर कॉन्स्टेंट पावर नहीं है साइन एक्स है कॉन्स्टेंट पावर एक्स पावर यह नहीं लगता फिर वर्ड न्यूमरेटर पर नहीं ग्रुप नहीं ज्यादा टर्म नहीं है तो ग्रुप भी नहीं है फिर ग्रुप सी ग्रुप सी में ऐसे दो ही फॉर्मूले नीचे ई चाहिए या फिर नीचे क्या चाहिए यानी कांस्टेंट वैसा भी नहीं नीचे तो एक्स है नीचे एक्स है ना नीचे क्या चाहिए इन फॉर्मूले के लिए कांस्टेंट चाहिए ऊपर एक्स है वो बराबर है नीचे कांस्टेंट नहीं तो सर ये भी नहीं लगता फिर वो सोचते हैं यार ये प्रॉब्लम बहुत टफ है पता नहीं कहाँ से आया जाने दो इसको छोड़ दो दूसरा कर ऐसा कर ऐसा करना है क्या फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है डेटा का कोई भी क्योंकि वो फंक्शन का पावर फंक्शन है इसके लिए कोई फॉर्मूला है ही तो तुम्हें क्या लेना चाहिए टेकिंग लॉग ऑन तो लेफ्ट में भी और राइट जब आपने लॉग लिया लॉग लेने पर लॉग की क्या रहती है प्रॉपर्टी साइन एक्स पीछे आ जाएगा बेस ऑफ लॉग और जब लॉग की प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर ली और अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू देखो प्रॉपर्टी जब लगना बंद हो जाए तो फिर तो डेरिवेटिव करना ही है ना अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लगता है डेरिवेटिव ये लॉग एक्स का क्या होता है वन बाय एक्स डीडी एक्स ऑफ एक्स लॉग के सामने बताओ साइन एक्स और लॉग एक्स ग्रुप ए की एक भी बड़ी नहीं लगती ग्रुप बी है ज्यादा टर्म है साइन एक्स अलग लॉग एक्स अलग ग्रुप बी में कौन सा एडिशन है इनमें इनमें क्या है मल्टीप्लीकेशन क्या है बताओ फर्स्ट टर्म डीडी एक्स ऑफ प्लस प्लस सेकंड टर्म डीडी एक्स ऑफ कॉस बोलो क्या होता है बुलडोजर के पीछे कौन है साइन एक्स लॉग एक्स का क्या होगा
बुलडोजर के पीछे वाला एज इट इज साइन एक्स का क्या होगा cos x, ये हो गया डेरिवेटिव फिनिश। सर डेरिवेटिव होने के बाद क्या करें? अरे आपको क्या चाहिए, आपको फाइंड आउट करना है dy by dx, तो dy by dx तो मिल गया ना, लेकिन साथ में बोले y, इसलिए इस y को लास्ट स्टेप इधर ले जाना है, इधर बचेगा कौन dy by dx, y उधर चला है ठीक है, लेकिन वो उधर वाला पूरा ब्रैकेट लिखना, लास्ट स्टेप में क्या करना y की वैल्यू जैसी है वैसी, छोटी बड़ी जैसी रहे वैसी पुट करना, और ये जैसा है ये आया क्या आंसर? अब इसको और उल्टा कर दिया तो साइन एक्स नीचे और एक्स ऊपर किया, साइन एक्स नीचे और एक्स ऊपर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोलो क्या होगा, कौन आएगा इधर? हाँ साइन एक्स की जगह दूसरा कुछ लेते ना, आपके फॉर्मूले याद नहीं है पार्टिक्स, हाँ बोलो क्या होगा, पावर हाँ पीछे ना लॉग के सामने बेस और पावर, पावर पीछे, अब एक्स पीछे आ गया और बचा लॉग कॉटेक्स, करो जल्दी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या था, फंक्शन का पावर फंक्शन था, लॉग के बिना कोई ऑप्शन नहीं, लॉग लियो ये आंसर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फंक्शन का पावर फंक्शन, लॉग की प्रॉपर्टी एक्स पहले लॉग पर, अब करो डेरिवेटिव। अब जब तुम डेरिवेटिव कर रहे हो कुछ जरूर लगेगा, सोचो कांस्टेंट स्क्वायर रूट ग्रुप भी नहीं, ग्रुप भी है ज्यादा टर्म है, कैसे क्या एक्स एक टर्म में हो रही लॉग दूसरा टर्म, क्या है पार्ट रूल बता, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव और हाँ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव, बोलो क्या है आंसर, प्रोडक्ट रूल लग रहा है उधर लगा ना प्रोडक्ट रूल, कैसे अरे फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म डिग्स ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डिग्स ऑफ फर्स्ट टर्म, नहीं बता नहीं, अब ये बुलडोजर के पीछे कौन है एक्स, उनके बारे में सोचना नहीं, बस डेरिवेटिव ऑफ लॉग पार्टिक्स के बारे में सोचो, बोलो कौन सा लगता है, ग्रुप ए की वर्डिंग नहीं है यहाँ पे, ग्रुप बी नहीं ग्रुप सी, कौन सा लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स का, वन बाय एक्स डीडी एक्स ऑफ एक्स, कौन सा लॉग के सामने, अब बताओ ये बुलडोजर के पीछे वाले एज इट इज, अब बोलो क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इधर डीडी एक्स ऑफ एक्स है ना, कितना होता है वन, अब बोलो अब क्या आंसर है, x 1 by cot x, मतलब cot x क्या डेरिवेटिव का माइनस इधर लगा माइनस cos x, डीडी ऑफ x कौन होता है यार, ये कौन है log cot x, अब क्या करें माइनस एक काम करो cot को ऊपर ले लिया, ये cot ऊपर गया तो क्या होगा tan, और कौन है पूरे आंसर को ब्रैकेट और दो डिवीजन में तो कैसे जाएगा मल्टीप्लाई, और लास्ट स्टेप में ये जैसा है वैसा वाई की क्या है वाई की वैल्यू वाई का पावर, ठीक है इस तरह से डिवाइड बाय आया ना क्या आपका, अब अगर मैं ऐसा देखूं टैन एक्स का पावर कॉट एक्स ये बाकी के वर्क कर रहा है,